वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आपके पास है Vivo T3X 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे या कैसे सेट करोगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर पहले से आपने कोई भी स्क्रीन लॉक बनाया तो वो डालना, अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो पहले आपको स्क्रीन लॉक सेट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से बनाया था, वो लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद स्टार्ट इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। फिंगर से फिंगर को इस तरीके से आपको स्कैन करवा लेना है। तो जब तक लगाना है तब तक दोस्तों आपके मोबाइल में ये आइकन पूरा फुल नहीं हो जाता है, फटाफट लगा लेते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में ये दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाता है। इस तरीके से स्कैन करवा लेते हैं। करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे डन का ऑप्शन आता है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, फिंगर डिस्प्ले में फिंगर आया, फिंगर को टच करते ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है।